दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहोगे। तो मेरे घर के लाइट चली गई है, 4 दिन हुआ। बहुत ज़्यादा बिल आया है, 3,000 2 महीने या 3 महीने के है, तो भर नहीं पाई हूँ बोल के काट के गया है। अंधेरे में 4 दिन से रहते हैं, मच्छर काटता है, क्या करे, पैसे नहीं है। तो देखिए, मोमबत्ती के लाइट में और मोबाइल के पीछे के लाइट में मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये देखिए, बथुआ के साथ है, साग है बथुआ की, इसको बथुआ बोलते। देखिए, नीम के पत्ते जैसे इस पत्ते के डिजाइन है। ये गेहूं के खेती में अपने आप होता है ठंडी के सीजन में, इसको अलग से लगाने नहीं पड़ता है। एक गांव में मिलता है, बॉम्बे में भी मिलता है। पनवेल वाले जो गांव वाले होते हैं वो ला के बेचते हैं, 10 रुपया करके एक है। 2 आटी लेके आई हूँ, देखिए 20 रुपया का है। तो ये देखिए, बहुत पौष्टिक आहार होता है, इसको अगर ला के आप 3 से 4 बार खाएंगे, इसका चटनी बना के खा सकते हो, इसका साग बना के खा सकते हो, इसका दलसग्गा बना के खा सकते हो, इसके पराठा बना के खा सकते हो, आप इसको हर तरह से खा सकते हो। ये पालक से भी ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो चलिए, इसको हम दाल सग्गा बनाएंगे। तो इस साग को हम सबसे पहले साफ करके काट लेते हैं, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, मैं एक हाथ से साफ करते हुए काटते हुए नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं साफ करके आप लोग को वापस से आती हूँ। देखिए, ये सब साफ कर ली हूँ। देखिए सब, आपको जो लगता है कौला है, गल जाएगा जल्दी, वो हिस्सा ले लेने का, जो कड़क रहेगा उसको फेंक देने का। तो चलिए, इसको अभी हम काट के वापस आते हैं। देखिए दोस्तों, इसको काट ली हूँ मैं, बारीक बारीक काट ली हूँ। इसको अब हम कुकर में डाल देंगे और एक सीटी लगा देंगे। एक सीटी लगा के फिर मैं वापस आती हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा नमक डाल दूंगी, ये देखिए, और थोड़ा आधा गिलास जैसा पानी डालूंगी ताकि वो जले नहीं। ये देखिए, आधा गिलास पानी डाल दे रही। अब इसको हम ढक्कन लगा दे। देखिए, मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी अभी, दोनों हाथ से पकड़ के, एक हाथ से नहीं लगा सकती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा साग गल चुका है। अब हम इसमें इस मसूर को दाल को डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। साग को हमने इसलिए पहले गला लिए हैं कि दाल और साग एक साथ देंगे तो दाल एकदम गल जाएगा, दाल थोड़ा अखा अखा दिखेगा तो अच्छा दिखेगा, टेस्ट भी अच्छा होगा। तो चलिए, हम इसको सिर्फ एक सीटी लगा लेते हैं। देखिए, हमने कुकर का ढक्कन लगा दिए हैं, अब एक सीटी होने का इंतजार कर रहे हैं। तो दाल को हम इस तरह से गला लिए हैं। देखिए, ये देखिए, ये सब साग और दाल गल गया है अभी। उसके बाद हमने टमाटर काट के लिए हैं। देखिए, 2 टमाटर लिए हैं, छोटे साइज में, ऐसे साइज में काट के, देखिए ऐसे साइज में काट के ले लिए हैं। उसके बाद देखिए, हमने कांदा बारीक बारीक काटे हैं, भेल वाला जैसे काटते हैं वैसा, और लहसुन अदरक मिर्ची का हमने ठेसा बनाए हैं। ठेसा इसलिए बनाए हैं, इससे ज़्यादा टेस्ट आता है, मुँह में इसके छोटे छोटे टुकड़े आते हैं तो बहुत टेस्ट लगता है। एक पीस के पेस्ट बना के डालने में टेस्ट उतना नहीं होता है। और इधर हम मसाले में लिए हैं, लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर और चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मोहरी जिसको सौंफ बोलते हैं, और 2 लाल मिर्च को हमने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ता, अखा जीरा है और धनिया पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता डाल दीजिए। मैं लाई थी तो मेरा लाइट बंद है 4 दिन से, बोल के मेरा धनिया पत्ता खराब हो गया था कोट में। तो चलिए, अब गैस के पास चलते हैं। दोस्तों, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैं, और इसमें जीरा और सौंफ और लाल मिर्च डाल दी हूँ। पहले इसलिए डाल दी हूँ, डालती हुई नहीं दिखाई क्योंकि एक हाथ से डालने में नहीं होता है, इसलिए मैंने ये सब डाल दी हूँ। अब मैंने इसमें कांधा डाल दूंगी, देखिए कांधा डाल दूंगी। अब इसको मैं 70% तक फ्राई करके वापस आती हूँ मैं। देखिए, कांदा हमारा 70% तक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन मिर्च का ठेसा डाल देंगे, और जो अभी ये पड़ा हुआ है चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम 2 मिनट तक चलाते हुए फ्राई करके वापस आ रहे हैं, 2 मिनट तक। देखिए, हमने 2 मिनट तक फ्राई किए हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं किए हैं, इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का कच्चापन रहेगा तो उसका ज़्यादा टेस्ट आएगा।
अब जो हमने दो टमाटर काट के रखे थे, अब हम इस टमाटर को डाल देंगे इसमें। इसको भी हम 2 मिनट तक थोड़ा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसको हम छोलनी से फ्राई करेंगे, नहीं तो चम्मच से टूट जाएगा, चम्मच को भी निकाल लेंगे। देखिए हमारा 2 मिनट तक फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें दाल और साग को डाल देंगे और इसको हम हल्के हाथ से चलाएंगे, थोड़ा इस तरह से, मतलब ऐसे चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें हम दाल डालेंगे, थोड़ा ही चलाएंगे, ज़्यादा नहीं। दाल फिर भी गल गया मेरा, थोड़ा कम गलना था। अब ये देखिए कुकर धो के पानी रखे हैं, जो कुकर में सब लगा हुआ था। अब हम एक पानी डाल देंगे, आपको जितना पानी की ज़रूरत है आप उतना पानी डाल सकते हो। तो ये ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा मस्त लगता है खाने के लिए। तो ये अभी खौलेगा, तो इसमें थोड़ा पानी कम है, तो इसमें थोड़ा सा हम और पानी डाल देंगे। देखिए अब हमें इसको पानी डाल के हल्के हाथ से इसको हमने मिला दिए। दाल ज़्यादा गल गया, दाल थोड़ा और कम गला रहता तो और अच्छा रहता था। तो देखिए अब हम इसको खौलने देते हैं। देखिए दोस्तों दाल हमारा खौल चुका है। देखिए उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एक दूसरे के साथ, मेरी मदद करिए मुझे आगे बढ़ने के लिए। आप लोग की एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक व्यूज, एक एक जमा होगा तो इस गरीब का गरीबी दूर कर सकता है, इस हैंडीकैप की मदद कर सकता है, इस हैंडीकैप के पैर के जख्म को आराम दिला सकता है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ा के मेरी मदद करिए। तो देखिए एक खोल चुका है और देखिए गाढ़ा गाढ़ा मस्त। अब ये चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पाव के साथ खाइए, और दूसरा सालन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये इतना टेस्टी बनता है, ये हम लोग गांव में इस तरह से बना के खाते हैं। एक कुरमुड़ा होता है, कुरमुड़ा के साथ अगर ला के खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत। ये बथुआ के साग बहुत टेस्टी होती है, और इस तरह से बनाया हुआ इस तरीके से तो और टेस्ट बढ़ जाता है, 4 चांद लग जाता है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइए। सिर्फ 20 रुपया के साग था, बनाइए। इसमें थोड़ा कोथमीर रहेगा, कोथमीर डाल देना और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से बना के टेस्ट करिए और कमेंट करिए। अच्छा बनता तो भी कमेंट करिए, बुरा बनता तो भी कमेंट करिए, मुझे पता तो चले कि आप लोगों को मेरे बनाए हुए रेसिपी पसंद आया या नहीं आया। तो प्लीज़ टेस्ट करिए और इस तरह से बनाइए। तो आप सब एक दूसरे के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। एक दूसरे से, अपनों से कभी अलग मत होइए, एक साथ रहने में ही खुशी है। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।